गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न अबाउट टू ऑर्गनल्स इन अ सेल नंबर वन गॉल्गी प्रेटस एंड नंबर टू लाइसोसोम्स हम आज पढ़ेंगे गोल्गी प्रेटस के बारे में और लाइसोसोम्स के बारे में ये दोनों ऑर्गनल्स क्या हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं गॉल्गी अपरेटस भी हम बोलते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं लिपो कॉन्ड्रियन भी बोलते हैं डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं और कई बार हम इनको गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं अब गोल्गी बॉडीज हम क्यों बोलते हैं जब गोल्गी प्रोटेसिस को क्यों बोलते हैं बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमलियो गोलगी साइंटिस्ट का नाम था कैमलियो गोल्गी इसलिए हम इसको गोल्गी अपरेटस बोलते हैं और जो गोल्गी बॉडीज़ हैं या गोल्गी ऑपरेटर्स हैं या जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो किस में एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसकी स्ट्रक्चर जिस जैसे हमने कल क्या किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे मिलती जुलती है और स्ट्रक्चर में क्या है इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्नी उसमें भी हमने सिस्टर्नी किया था नाउ यू कैन सी सिस्टर्नी दीज आर द सिस्टरनी एंड दिस इज द दस सो सिस्टर्नी मीनस so, सिस्टर्नी, uh, सिस्टर्नी का बना होता है ठीक है फ्लैट डिस्क जैसे हैं ये इनका साइज कितना है पॉइंट फाइव से लेके वन माइक्रोमीटर डायामीटर और इनके चार पार्ट हैं सिस्टर्नी टेब्यूल वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स now you can concentrate on the vesicles you can see on my right hand side on left hand side these are the tubules right and uh, this is the vesicles different types of vesicles and uh, about uh, coming to the cisternae, no? Sisterni no? kya hai मोस्टली जो गॉल्गी सिस्टर्नी है वो न्यूक्लियस के पास होती हैं सो so, सिस्टर्नी वेरी इन नंबर इन द सेल इनका नंबर क्या है चेंज होता है ये जो है सिस्टर्नी क्या है पाँच भी हो सकती हैं दस भी हो सकती हैं और जो सिस्टर्नी आपस में जब जो सेपरेट होती हैं उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं इंटर सिस्टर्नल साइटोप्लाजम इनके अंदर होता है तो जो सिस्टर्नी है वो कर्व्ड है क्लाउड सिस्टर्नी अगर आपने देखनी है तो यू कैन सी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी क्या हैं सिस्टर्नी हैं इनकी एक साइड देखो लेंस की तरह कन्कीव है एक क्या है कन्वैक्स है जो कन्वैक्स साइड है उसको हम बोलते हैं सिस फेस नाउ ऑन द टॉप कॉन्सर दिस इज दिस फेस और जो साइड जो है Uh, जो कन्वेक्स साइड है उसको हम फेस बोलते हैं जो कॉनकेव कॉनकेव नीचे आप देखो यहाँ पर इनको हम बोलते हैं ट्रांसफेस। दिस इज द ट्रांसफेस। ठीक है सो दिस सिस फेस एंड ट्रांसफेस दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स साइड पे हम जो है सेपरेट करते हैं जो सكريشن મટીરીયલ है मतलब પ્રોટીન્સ बने हैं या कोई સ્ટોર્ડ uh, મટીરીયલ uh, है या ગ્લાયકોજન है ये जो भी મટીરીયલ या कोई એન્ઝાઈમ बना है जितने भी સكريشن મટીરીયલ हैं वो क्या है ગોલ્ગીપરેટસ से कहां से आता है कल जो हमने किया था સ્મૂથ એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટીક્યુલમ में कैसे आता है વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ વેસિકલ્સ नाउ यू કેન This is the transport vesicles reaching forming phase ठीक है और यहाँ पे नीचे आप कॉन्सेंट्रेट सेक्रेटरी वेसिकल्स लिविंग मेच्योर फेस जैसे है जो सेक्रेटरी है दूसरा जो है फ्रॉम द ट्रांसफेज द सेक्रेटरी वेसिकल्स ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो कि करते हैं प्रोसेस्ड मटेरियल को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं ये कौन सा पार्ट था हमारा सिस्टर्नी का दूसरा पार्ट का है टिब्यूल्स नाउ दीज आर द टिब्यूल्स ये आप देख रहे हो जो सिस्टर्नी के Uh, answer, उनको हम क्या बोलते हैं टिब्यूल बोल सकते हैं सो so, uh, टिब्यूल क्या है शॉर्ट ठीक है शॉर्ट ट्रिब्यूल राइज फ्रॉम द पेरीफ्री पायरीफ्री क्या होता है बिल्कुल साइड पे जो होता है बिल्कुल एंड पे एंड मेच्योरिंग फेस ऑफ द सिस्टर्नी जब सिस्टर्नी मेच्योर हो जाती है तो वो क्या टिब्यूल को राइज देती है तो सम ऑफ दीज एंड लार्ज एट द एंड टू फॉर्म द वेसिकल्स जो बड़े हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं वेसिकल्स वेसिकल्स दो टाइप के होते हैं एक स्मूथ होते हैं और एक क्या होते हैं कोटेड होते हैं जो स्मूथ वेसिकल्स द सर्फेस क्या होएगा बिट ऑब्वियसली दैट विल बी स्मूथ और उसमें क्या होएगी सक्रीशंस होएंगी और कोटेड वेसिकल्स क्या हैं उनका रफ सर्फेस होएगा और उसमें वो एलेबोरेट क्या करेंगे मेबरिन प्रोटीन्स अब जो फोर्थ है वो क्या है वैक्यूल्स वैक्यूल्स क्या है द डिवेल्प फ्रॉम द कंकेव साइड ऑफ मैच्योरिंग फेस ठीक है uh, जो कन्केव साइड से बनते हैं उनको हम वैक्यूल्स कहते हैं और ये जो वैक्यूल्स हैं वो किस में डिवेल्प हो जाते हैं लाइसोसोम लाइसोसोम जो हमने सेकेंड पार्ट करना है तो गोलगेपरेटस जो है वो बेसिकली वो बनता कहाँ से है कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था आर ई आर यहाँ पे क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है यहाँ पे राइबोसोम होंगे या नहीं होंगे होंगे क्योंकि स्मूथ जो सरफेस है वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते रफ में राइबोसोम्स होते हैं अब गोल्गी प्रेडस का क्या फंक्शन है इसके मेन जो फंक्शन है एक है पैकेजिंग पैकेजिंग क्या किस चीज़ की पैकेजिंग करनी है पैकेजिंग मटीरियल टू पास टू द इंट्रा सेलुलर ऑर्गनल और सक्रीट आउटसाइड द सेल ठीक है सक्रीशन में हेल्प करते हैं और मटेरियल की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं और दूसरा इसका काम है क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स जो मैम्ब्रेन है उनको क्या करते एकदम एक से चेंज कर देते हैं जो गोल्गी कम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट करता है क्या वन टाइप ऑफ मैम्ब्रेन का क्या मतलब है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एन अदर टाइप ऑफ मैम्ब्रेन मतलब उसको प्लाज्मा मैम्ब्रेन में कन्वर्ट करता है तीसरा फंक्शन क्या है इसका ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइको ग्लाइको बनाते हैं ठीक है और चौथा फंक्शन क्या है नंबर ऑफ़ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गीऑपरेटस जितने भी प्रोटीन्स प्रोटीन्स कौन बनाता है राइबोसोम्स बनाते हैं कहाँ पे बनाते हैं एंड कौन से रेटिकुलम पे बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो उनको चेंज कौन करता है गोल्गेपरेट्स एंड कमिंग टू द फिफ्थ फंक्शन इसका क्या है ये लाइजोजोम्स बनाते हैं गोल्गी कम्पलेक्स जो है किसको गिव राइज करता है लाइजोजोम्स बनाता है हारमोन्स बनाता है ठीक है हारमोन्स कहाँ बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड में ये हारमोन्स बनाता है थ्रू द गोल्गेपरेटस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाता है दीज आर द सेवन फंक्शंस ऑफ द गोलगेटस अब ये लाइजोजोम्स क्या हैं लाइजोजोम्स क्या हैं ये सब मोस्टली किस में होते हैं एनिमल सेल्स में होते हैं बट आबिसीज़ या प्रोक्रियाटिक सेल्स में लाइजोजोम्स नहीं होते नंबर क्या है अब समाइट वाइट ब्लड का पसल्स जो आ होते हैं डब्ल्यू होते हैं तो ये जो लाइजोजोम्स हैं मोस्टली किस में होते हैं डब्ल्यू बी सीज में होते हैं मैक्रोफाज में होते हैं या कॉफर सेल्स में होते हैं सो so, मॉर्फोलॉजिकली क्या है दे आर स्मॉल वेसिकल्स दे आर अबाउंड बाई सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन और दे हैव एसिड हाइड्रोलेजिस इसके इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम एंजाइम को क्या बोलते हैं हाइड्रोलेजिस और इसमें फिफ्टी टाइप्स ऑफ एंजाइम जो हैं लाइजोजोम के अंदर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक मैंने आपको एंजाइम का क्या नाम बनाया हाइड्रोलेजिस फॉस्फिज प्रोटीजिस पेप्टिटीज न्यूक्जिस लाइपेजिस एंड कार्बोहाइड्रेजिज कोई भी वर्ड है उसके जो एंड में अगर ए एस ई एस लग रहा है तो इसका मतलब क्या है दिस इज द एंजाइम और एंजाइम की पीएच क्या होती है फोर से लेकर फाइव तक होती है और लाइजिजोम के एक करेक्ट्रिस्टिक्स है पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का क्या होता है कि इनका जो शेप है या साइज़ है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होती है. हैं जो और वो अपने शेप को चेंज करते हैं इनको हम बोलते हैं सो सोलाइसोजोम्स चेंज द नेचर ऑफ देर कंटेंट्स इन डिफरेंट टाइम्स इन द सेम सेल राइट एक ही सेल में रहते हुए अपने कंटेंट को ये चेंज करते हैं इस टर्म को हम क्या बोलते हैं पॉलीमारफिजम सो दिस वेरिएशन इज कॉल्ड द पॉलीमोरफिज्म कितने टाइप होते हैं इसके प्राइमरी सेकेंडरी रेजिडुअल बॉडीज एंड फेजिक वैक्यूल्स चार तरह के होते हैं प्राइमरी लाइजोजोम्स के होते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड गोल्गीप्रेटस से जैसे हमने ऊपर पढ़ा गोल्गीप्रेटस से क्या बनता है, कंप्लेक्स के है। जो गोल्गी कम्प्लेक्स क्या बनता है लाइजोजोम बनते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड लाइजोजोम्स होते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं और लेकिन जो ये एंजाइम्स होते हैं ये काम नहीं करते इनएक्टिव स्टेट में होते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स किसको हम बोलते हैं जो कि फूड कंटेनिंग फेगोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं इनको हम फेगोसोम भी बोलते हैं या पॉलिसोम्स भी बोल सकते हैं फूड कंटेनिंग फेगोसोम्स या लाइसोसोम्स भी बोलते हैं रेजिडुअल तीसरा टाइप क्या है रेजिडुअल बॉडीज रेजिडुअल बॉडीज़ क्या कहती है ये जो सेकेंडरी लाइजोजोम्स होते हैं इसमें एंजाइम्स जो हो जाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं इनकमिंग मटेरियल मतलब ये कि जो एंजाइम्स प्राइमरी लाइजोसोम में इनएक्टिव होते हैं इसमें क्या होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द लाइसोसोम मेमरस इनटू अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सो रेजरल बॉडीज में क्या है एंजाइम्स एक्टिव है जो कि एक्टिवली एक्ट act करते हैं और चौथी टाइप को हम बोलते हैं फोर्थ टाइप को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम्बिल तो बोलते हैं ऑटोफेगोसोम फेगो का मतलब होता है किसी चीज़ को एनगल्प करना अंदर लेके जाना अ सेल में डाइजेस्ट इट्स ओन ऑर्गनल सच एज द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड रेटिकुलम दिस इज कॉल्ड द ऑटोफेगी कई बार सेल में क्या होता है जो अपने ही ऑर्गनल को वो खाना शुरू कर देता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफेगी ऑटो मतलब अपने आप फेगी मतलब खाना किस चीज़ को खाना अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया को या अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सेल खाना शुरू कर देता है सो so, एक एक टर्म होती है ऑटोलिसिस ऑटोमीन्स अपने आप लिसिस मतलब टूटना सो वेन वेन लाइसोसोम्स बर्स टू रिलीज द डिजेस्टि एंजाइम इट कॉज सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल दिस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस और इसमें क्या है कि सेल जो है अपने आप ही क्या है वो टूट जाएगा कब टूटेगा जब वो एजड हो जाएगा जब वो मैच्योर हो जाएगा या उसमें कोई डिजीज़ हो जाएगी या वो डेड हो जाएगा तो वो क्या टूट जाता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलिसिस सो so, लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं कॉलगी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं इनका काम लाइसोसोम का काम क्या है इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं एंजाइम्स की हेल्प से जितना भी डेब्रीज हैं सेल के अंदर जितना भी डेबरीज का मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या करना है इसने खा के बाहर निकालना है और सेल सेल की गंदगी को साफ करना है सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द लाइसोसोम्स सो आज हमने कितने ऑर्गेनल्स uh, किए सेल के अंदर दो एक गोल्गी बॉडीज या गोलगी कम्प्लेक्स और गोल्गी कम्प्लेक्स से क्या बना है लाइसोसोम्स So, students, if anything is not clear with you, please feel free to call me up anytime on my WhatsApp number. Thank you.